हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज फिर से एक बार प्लेन एयर के लिए हम निकल पड़े। और ये जो कलाराम के जो वेस्ट बंगल में मैंने एक ग्रुप बनाया कलाराम का, तो उसमें प्लेन एयर के लिए हम जाते हैं वीकली। दो दिन जाते हैं, फ्राइडे को और हम ट्यूसडे को जाते हैं। तो ये दो दिन हम प्लेन एयर पेंटिंग करते, कोई भी हमसे जुड़ सकते हैं। और ऐसे कुछ आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट से भी आ रहे हैं अभी और जुड़ रहे, बहुत अच्छी बात है। अभी तो बरसात है, बट इसके बाद धीरे धीरे और भी लोग जुड़ेंगे। कोलकाता से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जुड़ेंगे, तो अच्छी बात है। तो इसके लिए हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए देखते हैं क्या आज लोकेशन हमारा। आज का जो वेदर है काफी, कभी धूप कभी छांव हो रहा है, तो देखते हैं इसी के बीच में हम एक पेंटिंग खरीद लेंगे। गाड़ियों भी जाए जानी घर से प्राय 4 to 5 किलोमीटर हम चल रहे हैं। नारीट और यहाँ पे हमारा साउथ दादा इंतजार कर रहा है बाकी स्टूडेंट के आने का। अंतर्दीप और मैं आ चुका हूँ। देखो कैसे बैठा है एकदम। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे इस मौसम के साथ, वो देखो यहाँ पे एकदम गाड़ी लोड होके आया है बुरी तरह। तो ये जो है गर्ल्स स्कूल है, गाजीपुर बालिका विद्यालय, गाजीपुर गर्ल्स स्कूल। ओके, तो हम एक लोकेशन में पहुंच गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहीं पे दाएं बाएं जो भी पॉइंट हमको मिलता है व्यू। तो यहाँ का जो तालाब तो आपको होता ही है, तो क्या होता है, ये होता है पेंटिंग के लिए हमें, क्योंकि ये सालों से नेचर के साथ कनेक्ट होता है। ऐसा कुछ ओल्ड बिल्डिंग्स, टेम्पल्स देखिए, जो नेचर के साथ कनेक्ट होता है वो आर्टिस्ट को आर्टिस्ट के साथ कनेक्ट होता है। देखिए वाव, क्या ब्यूटीफुल। इसकी सुंदरता बस आर्टिस्ट को ही दिखता है, बाकी को तो ऐसे ही लगता है ये क्या है, पुराना सा क्या बना रहे हो बोलते, पता नहीं हमको क्यों अच्छा लगता है। देखो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, जो पानी में कुछ डूबा हुआ है देखो, ब्लैक कलर की, उसे हम बोलते हैं डोंगा। उसमें भी जब यहाँ पे पानी भर जाता है, बाढ़ आता है, तो उसके जरिए भी थोड़ा सा मतलब पारापार करने की काम आ जाता है हमको। यहाँ से बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा ठीक से। है वहाँ पे घर वगैरह, शायद रिफ्लेक्शन के साथ अच्छा आता, बट देखते और कुछ लोकेशन है ना। हाँ हाँ ठीक है, आगे चले। ओके, तो इसी तरह से थोड़ा सा टाइम हमें लगता है लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। Thank you.
फाइनली एक लोकेशन सिलेक्ट किया और इस लोकेशन को विजिट किए थे हमारे मेंटर सिकंदर सर, बिक्रम शीतल सर एंड निशिकांत सर उस समय जब कोलकाता टूर में आए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे सेल्फी लिया गया, सेल्फी पॉइंट है। यहाँ का जो ये टेक्चर है जो इस वॉल के ऊपर, इसको मैं आज करने की कोशिश करूँगा। ये कुछ मेरा सेटअप है, अदरवाइज यहाँ पे भी बहुत सारे लाइट एंड शेडोज हमें सीखने को मिलेगा थोड़ी देर बाद। तो पहले ये ट्राई करते हैं कुछ टेक्चर के ऊपर, देखते हैं कि कैसा होता है, कैसा लग रहा है, और मिलते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सोलन मिटिया भी आ गए हैं और यहाँ पे अंतर्द्वीप भी उसी डार्क जो वॉल है उसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके टेक्चर को करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जरा ट्राई किया है, खेल टेक्चर का है, तो टेक्चर गैनुलेशन के साथ, गैनुलेशन को यूज करके हम उसे टेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लड़ाई लड़ रहे हो वैसे। वाह 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 वाह, अच्छा ये हो रहा है पेंटिंग, ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और चलो इसी के साथ अच्छा पेंटिंग हो जाए वो भी अच्छी बात है। कौन कहाँ रख के कर रहा है, देखो एक इजल दो आर्टिस्ट, वहां पे हमारा मास्टर सौ दादा बैठा है और काफी खूबसूरत एक आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लाओगे क्या ऐसे गाना चला, वाव आग लगा रहा है यहाँ पे अरुण मिटिया। तो एक पेंटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया और यहाँ पे सायन का स्केचिंग भी आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पेंसिल शेडिंग कर रहे हैं। इसी लगन के साथ ही करने से आउटपुट मिलता है और देखिए कंटिन्यू काफ़ी देर हो गया और काफ़ी खूबसूरत निशा भी अपना ये आर्किटेक्चर का कैप्चर कर रहे हैं यहाँ से। ये जो पेंटिंग है अरुण मेटिया ने बनाया है, देखिए कितना खूबसूरत है लाइट एंड शेडोज जो कि इस स्पॉट को बनाया है उन्होंने। ओके, सौ दादा एक पेंटिंग बना लिया बट उनको तसल्ली नहीं हुआ, दूसरा बनाएंगे अभी। वाह क्या बात है, ये देखिए कितना खूबसूरत वही व्यू पॉइंट जो आपको दिखा रहा था। अभी सेकंड टाइम सौ दादा ने सेटअप कर लिया, तो इसी लाइट एंड शेडो बहुत अच्छा आ रहा है, जब भी धूप आ रहा है
और वैसे भी क्या होता है जब धूप आते हैं हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कहाँ तक छाया है, कितना कलर है। तुम्हारा वो वाला कहाँ है जो किया था? अच्छा ठीक है, ओके। थोड़ा सा टचअप बाकी है। हाँ तो दीप हो गया कंप्लीट? हाँ ओके गुड। काफ़ी अच्छा टेक्सचर लाने की कोशिश किया है। और मेरा पेंटिंग हमने देख ही लिया, सुबह सुबह हो गया था। और कुछ मेरा सेटअप है। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी कंपोजिशन में, किसी स्पॉट में। आप भी अपने जो भी लोकल स्पॉट मिलता है आप वहाँ काम कीजिए, और कलर हम को आप ज़रूर कोलाबोरेशन कीजिए, टैग कीजिए, हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। और काम करते रहिए, क्योंकि ऑन द स्पॉट काम करने से आपको इम्प्रूवमेंट ज़्यादा होता है। वो हमको समझ भी नहीं आता किस तरह से इम्प्रूवमेंट होता है, बट वो नेचुरली हो जाता है। बहुत अच्छा, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन आप देख सकते हैं जो मेरे ऊपर था ये, जो क्या बात है, कितना खूबसूरत। ओके तो चलो टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू। और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको इसी तरह से आपको चाहे आर्टिस्ट ब्लॉग क्या है या वीडियोज़ या इस तरह से प्लेन एयर वीडियोज़ जो भी आप सोचे आप देख सकते हैं। थैंक यू, टाटा बाय बाय।